चुनावों से पहले चुनाव जीतने की बात करना, ऐसा तो भाजपा के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कॉन्फिडेंस तो भाजपा के नेताओं में ही हो सकता है जो जगह जगह पर जाकर ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस चुनाव हार गई है। भगवान जाने कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। नमस्कार, खबर हाट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शालिका ठाकुर। चलिए आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र की। इसे हॉट सीट कहा जा रहा है। हॉट सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमेशा चर्चाओं में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को यहां पर भाजपा ने टिकट दी है। जब से कंगना रनौत को टिकट दी है, भाजपा को लग रहा है कि हम तो चुनाव बिना लड़े ही जीत गए हैं। कंगना रनौत की लोकप्रियता का इस्तेमाल जो है वो भाजपा करना चाह रही है इन लोकसभा चुनावों में। जाहिर सी बात है कि बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहां पर लोकप्रिय चेहरों को चुनावी दंगल में उतार कर उनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से, जहां पर अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देकर भाजपा जो है यहाँ पर लोकप्रियता और साथ ही मोदी के नाम पर वोट मांगने के प्रयास कर रही है, जो कि हमेशा से करती आई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह, जो कि पूर्व में सांसद रही मंडी लोकसभा क्षेत्र से, वही कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि खबरों की माने तो खबरों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, विक्रमादित्य सिंह इस चुनावी दंगल में कंगना रनौत के खिलाफ उतरेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर बात करें प्रतिभा सिंह की तो उनके मुकाबले विक्रमादित्य सिंह एक युवा चेहरा है और युवाओं में एक अलग पकड़ रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मंडी संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण अपने आप में बेहद खास होने वाले हैं। किसके लिए आसान और किसके लिए मुश्किल होने वाली है ये राह, चलिए इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत को बड़ी बहन बताया। कंगना रनौत ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट ग्रहण किया और उसके बाद अपना चुनावी प्रचार और प्रसार शुरू किया, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कंगना रनौत को अपनी बड़ी बहन कहकर संबोधित किया था। लेकिन कंगना रनौत ने शुरू किया पलटवार, और पलटवार ऐसा कि उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को घेरते हुए ये तक कह डाला कि जिसकी जितनी बुद्धि वो उतनी ही बात करेगा। उसके बाद शुरू हुआ वो चुनावी दंगल जिसमें विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत की रोजाना तीखी नोकझोंक हो रही। विक्रमादित्य सिंह सीधे तौर पर कंगना पर वार कर रहे हैं, वहीं कंगना भी किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रही है। कंगना रनौत हमेशा ही कांग्रेस पर तीखे हमले बोलती रही है। आपने हमेशा देखा होगा कंगना रनौत बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा से हमेशा से काफी प्रभावित रही हैं। हालांकि बहुत से मीडिया चैनल्स में उन्होंने ऐसे भी बयान दिए हैं जिनके चलते उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन सुर्खियों के जरिए उनकी ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। कभी वो कहती हैं कि आजादी 2014 के बाद मिली, कभी वो कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कहां गए। इस तरह की बातें जब कंगना रनौत करती हैं तो जाहिर सी बात है चर्चाएं तो तेज होती ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, जहां से अगर कंगना वर्सेस विक्रमादित्य सिंह होता है तो ये मैडम के लिए संसद भवन में एंटर होना इतना आसान होगा नहीं जितना मैडम कंगना रनौत और बीजेपी समझ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो उनका अपना युवाओं में एक अलग रुतबा है और युवाओं में अपनी विशेष पकड़ रखते हैं। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं उनमें स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की झलक देखती हैं। और विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सबसे युवा और तेज तरार नेताओं में से भी एक माने जाते हैं। तो जिस बीजेपी को लग रहा था कि बिना चुनाव लड़े ही बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है, उस बीजेपी के लिए ये राह बहुत ही कठिन होने वाली है। अब देखना ये होगा कि जैसे ही कंगना वर्सेस विक्रमादित्य सिंह होता है तो उसके बाद चुनावी जो समीकरण है वो किस तरह से उफान मारते हैं। मंडी की सियासत में अगर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह के परिवार का, यानी कि वीरभद्र परिवार का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वहीं कंगना रनौत राजनीति में नहीं है, लेकिन कंगना किसी भी तरह से लोकप्रियता के मामले में कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आंकना ये भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि जो लोग कंगना के जनसभाओं में आ रहे हैं वो उनकी लोकप्रियता, एक अभिनेत्री उनके बीच पहुंच रही है ये देखने के लिए आ रहे हैं, या लोग सचमुच में कंगना में अपना नेता ढूंढ रहे हैं या फिर देख रहे हैं।
तो ये है मौजूदा समय की कुछ जानकारी जो आपके लिए लेकर हाजिर हुए थे और आपको बता रहे थे। इसी तरह के राजनीतिक विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल खबर हाट। अगर आपको हमारा ये आंकलन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।